अगर काफी लोग लो फील करेंगे तो दीदी नहीं चाहते कि कोई भी लोग लो फील करे दीदी के अलावा, इसलिए दीदी हैप्पी रहना चाहते हैं, इसलिए कैमरा के पीछे से अपनी आवाज से हैप्पी करेंगे, इसलिए दीदी कैमरा के आगे नहीं आना चाहते। सब बकवास था, नहाई वेलकम बैक टू मल्टी लिटल वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश, वैसे ही पिछले एक हफ्ते से मौसम खराब है नॉर्थन साइड पे, तो कभी बारिश होती है कभी बादल, मतलब बहुत ज्यादा ठंड हुई पड़ी है। मतलब वेदर में मैंने चेक किया था उसमें ये दिखा रहे थे कि कल धूप निकलेगी, तो मैंने सोचा कि शायद आज आखिरी दिनों का बारिश का, क्यों ना पकौड़े बनाए जाए, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि पकौड़े बनाती हूँ। अभी बहुत सब लोग लेजी होके पड़े हुए हैं, आश्रय तो अपना बिजी है, गेम वेम खेल रहे हैं, अंकित अभी भी सो रहे हैं और दीदी भी अपना रूम में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ये हमारा कैबी ये बेचारा बोर होता रहता है क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है करने को, ना ही खेलने को कोई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पकोड़े बनाए और थोड़ा रिफ्रेशिंग सा माहौल करे, मौसम को भी एंजॉय करे, और अंकी को बिल्कुल भी नहीं पता है तो मैं अंकी को सरप्राइज दे दूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी ये आलू और प्याज काट लिए हैं, यहाँ पे गोभी भी काट लिया है क्योंकि गोभी के पकौड़े भी बनाएंगे, आशा को बहुत पसंद है। मैंने पनीर भी मंगा के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है आप लोग को ऐसी ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी हेल्थ के लिए कोई भी नहीं है। चलो देखते हैं कैसी बनती है। दीदी ने तो बोला था कि मस्त अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल के अच्छे से बनाते हैं पकोड़ों को, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, तो मैं सिंपल ही बस नमक मिर्च मसाले डाल के बना रही हूँ। मुझे एक्चुअली ना बिल्कुल भी, मैं कभी भी ना मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता कि कितना मेजर करके क्या करना होता है, तो सारा कुछ अंदाजे से चलता ही देखो। इतना बहुत है कि ले ली है ये अजवाइन। तो अभी बात एक्चुअली ये है ना कि मैं अकेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं एंटरटेन भी करूँ और ब्लॉग को बोर ना होने दूँ, लेकिन मैं अकेले क्या ही करूँ। बट एनी वेज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अंकित रिएक्शन, क्योंकि अंकित को पनीर के पकौड़े बहुत पसंद है। आप जब कुकिंग करते हो ना तो उसको जितने प्यार से करोगे ना, आपकी जो मतलब डिश होगी ना वो उतनी ही टेस्टी बनेगी। जैसे मैं ऐसे यहाँ से मैंने मसाले ज़्यादा तो नहीं डाल दिए, आई डोंट नो। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है बेसन, पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, आई थिंक इट इज़ फाइन। हाँ बेसन बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे मैंने पनीर के भी पीसेस कर लिए हैं, यहाँ पे आलू और प्याज है और यहाँ पे है गोभी। न्यू रेसिपी है, आई विल ट्राई ओनली 2 पनीर के पकौड़े। तो ये मेरी मम्मा की रेसिपी की चटनी है, ये मूली की चटनी है, पता है, मूली धनिया मिर्ची टमाटर इस पनीर के पकौड़े के अंदर। फिल दिस चटनी इन टू दिस, देन डिप इन टू द बेसन एंड देन फ्राई। आपको बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ, अभी अभी बारिश होके उठी है यार। इस मौसम में किसका दिल नहीं करेगा पकोड़े खाने का यार, मतलब सुबह से मेरा इतना मन कर रहा था ना कि यार खाते हैं, और मैं पता मतलब मेरे को ना क्रेविंग हो रही थी पकोड़ों की, मेरे को पकोड़े खाने ही खाने हैं, और मेरा मन करे ना मैं यहाँ बालकनी में बैठ के पकोड़े खाने शुरू कर दूँ, लेकिन ठंड बहुत है, चलो अंदर चले। बाल ना ले ना, रुक मैं टोपी पहन लूँ। आप सारे ने इकट्ठे बह के खाने हैं उत्थे ओदे लागे, तो कोले बाल ओदे छोर, चलो अपने काम ते लग, चल चल चल। कोई तो रोक लो इस इंसान को सोने से। पकोड़ा एक्सपर्ट कैमरा के पीछे है, फाइनली मेरे को एक हेल्पर मिल गया। हाँ मतलब ब्लॉग करने, पता मैं कल ही यहाँ पे रख रख के फोन ब्लॉग कर रही थी। तो आपके तो पकोड़े बन गए हैं? हाँ हाँ, निकाल लूँ? बड़ा ऐसे दीदी को ऐसा लग रहा है कि आज मेरे को ब्लॉग में यार वेल एक्चुअली आज मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। हाँ दीदी, so थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो दीदी ने डिसाइड किया कि मैं ब्लॉग में नहीं आऊंगी क्योंकि मेरी लो शक्ल देख के अगर काफी लोग लो फील करेंगे तो दीदी नहीं चाहते कि कोई भी लोग लो फील करे दीदी के अलावा, इसलिए दीदी हैप्पी रहना चाहते हैं, इसलिए कैमरा के पीछे से अपनी आवाज से हैप्पी करेंगे, इसलिए दीदी कैमरा के आगे नहीं आना चाहते। ये सब बकवास था, फिर नहाई नहीं। अरे मैंने अभी जो भी बोला वो मजाक कर रही थी, मेरा कैमरा मैन भाग रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े ही निकालते क्योंकि ये बहुत सारे हो जाएंगे ना। एक टिप मैं देना चाहती हूँ कुछ मेरे इंसान प्राणियों को, कि जब भी आप हाथ धोते हैं ना, तो ये देखो हाथ धोया, मैं भी वो बन जाऊँ, उसका नाम क्या है, कैबी है ना, जैसे कहते हैं, जब भी आप इसको हाथ धो तो आप इसको ऐसे करो यहाँ पे, ना कि ऐसे 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 करके, ना कि आप ऐसे करो, मैं भी कर लूंगी रुको, ना कि आप ऐसे करो,
रानियों पे मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं उनको उसी टाइम पे कत्ल कर दूं कि आपके यहाँ मतलब आपसे यहाँ ऐसे नहीं होता, आप इधर ऐसे क्यों करते। वैसे ये रानी केविन जी पिल्लो के ऊपर पूरा ही सोते हैं, पिल्लो के ऊपर सो रहे, पूरा बेड पड़ा उधर। भाई दीदू कम पकौड़े, आशु पकौड़े बन गए, ये मैंने आलू और प्याज के डाल दिए हैं। And these are the lovely pakoras. It is time to wake this person. Anku! Good morning! Uthna padega. पनीर के पकोड़े, जल्दी उठो फिर ठंडे हो जाएंगे। मिलते हैं 5 मिनट बाद। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वाह यार मुझे लग रहा है खुशबू अच्छी है, एक नंबर, ऐसे अच्छा लग रहा है। सच्चे बताओ अच्छा लग रहे हैं? इसको बस चाट मसाला डाल दो अच्छा लगेगा। हाँ यार चाट मसाला तो हम भूल ही गए यार, मेरे को याद था मैं भी डालती हूँ चाट मसाला। क्या गुंडा होने का तू? शट अप, हलवाई बन सकती हूँ मैं, पकोड़ों की दुकान खोल ले। हलवाई नहीं, पकोड़ों की दुकान खोल ले। वैसे मैंने भी पकोड़े खाए हैं, बहुत ही यम्मी बने हैं और अंकी को भी अच्छे लगे हैं। और पता है अंकी की ना एक आदत है, अगर कोई भी चीज अंकी अच्छी बनाते हैं मैं अच्छी बनाती हूँ ना, तो अंकी बोलते हैं इसकी भी दुकान खोलेंगे। तो ऐसे ना कल दीदी ने मैगी बनाई वो बहुत अच्छी बनी, कहते दीदी हम मैगी की भी दुकान खोलेंगे। जल्दी खोल के फिर आपको बताएंगे कि कहाँ खोल लिया है ना अंकी। कब खोल रहे हो? बजट फाइनल करते हैं, उसके बाद सोचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग भी करेंगे। अगर आप जिसके लिए भी पकोड़े बना रहे हो, कुछ भी अच्छी डिश बना रहे हो ना, मेक श्योर कि वो अगला बंदा ना उस चीज को रिस्पेक्ट करे। इस इंसान को ना 100 आवाजों के बाद ये इंसान उठा है और एक अंदर इंसान बैठा हुआ है, वो अपनी गेम में इतना बिजी है कि उसको इतना जोर जोर से चिल्ला के बुला रहे लेकिन वो अभी भी नहीं आ रहा है। क्या रोला पाया यार तुसी है? मतलब एक तो पकोड़े बनाओ, गोभी पकोड़ा। तो गाइस हम लोगों, आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग आज न्यू ईयर के पर्व पर, हमारा न्यू ईयर हो चुका है लेकिन फिर भी हमने केविन को दी नई बॉल। तो अभी हम बाहर गए थे, हम शूट करना ही भूल गए। तो ये रहे दीदू, आपको दिखाती हूँ दीदी, इतनी प्यारी प्यारी स्टेशनरी का सामान लेके आया ना। दीदू को लिखने का बहुत शौक है लेकिन बहुत टाइम से, जब से दीदू की शादी हुई है उसके बाद से दीदू ने लिखना थोड़ा कम कर दिया, मतलब उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। एंड दीदू का एक इंस्टाग्राम पेज भी है एन्चेंटेड बाय वर्ड्स नाम से, वहां पे दीदू बहुत प्यारे प्यारे कोट्स और कैप्शन अपलोड करते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिलेटेबल भी होते हैं और बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, उनके रियल एक्सपीरियंसेस से वो लिखते हैं। तो ये दीदू ने बहुत प्यारी सी ऑरेंज डायरी ली है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये मेरे को बहुत क्यूट लगा तो मैंने दीदी को बोला ये ले लो बस आप ना। अरे फोकस क्यों नहीं हो रहा इस पे? तो ये बहुत क्यूट है। नहीं मतलब क्या कहा आती है? ओए ओए ओए, पेन है? वाह मेरे को भी चाहिए दीदी, पर मेरे सालों में काम ही नहीं आया कभी पेन। उसकी न्यू बॉल है, न्यू ईयर गिफ्ट। तो मेरे को बुक्स मिली जो मैंने दीदी को दी और दीदू खुश हो गए इनको देख के, इनको रीड करेंगे दीदू। एंड दिस इज माय डूडलिंग बुक, ये वाला स्टार्ट किया था जो कंप्लीट ही नहीं किया यार, मैं क्यों तो फंबल। हाँ ये आपने किया था, नितिका डू यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट इन इट, कि ये जो पेंसिल्स है ना इसके पीछे ये सीड है, जब भी ये पेंसिल खत्म हो जाएगी तो हम ये छोटी सी पेंसिल को गमले में प्लांट कर देंगे। ये फेनुग्रीक है, मेथी दाना, ये मेथी दाना के सीड्स हैं, ये मस्टर्ड है, राई, दिस इज राई, नहीं सरसों, मस्टर्ड सरसों राई दोनों ही होते हैं शायद। हाँ वही है। चिली हरी मतलब मिर्ची, ग्रीन चिली, दिस कुड बी रेड और ग्रीन, धनिया, वाओ, ये टोमेटो, टमाटर। और ये बुक मैंने जलंधर से ही ली थी, दीदू के साथ ही जाके ली थी, ये वाली खरीदी थी मैंने क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक मुझे इस बुक की बहुत ज्यादा नीड थी। अंकू दिस इज फॉर यू, देखो। अभी मानसी और दीदी गए थे बाहर, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि दीदी के लिए सामान लेके आए हैं, ये सारा स्टेशनरी का बोतल तो दिखी गई। तो ये दिया है मानसी ने मुझे न्यू ईयर का तोहफा बोतल, क्योंकि मुझे पानी ज्यादा पीते रहना, इसकी ड्यूटी वो रखेगी कि भाई ये बोतल खाली ना हो और इसकी जिम्मेदारी मैं रखूंगा कि ये बोतल मैं जल्दी जल्दी खाली करता जाऊं। सबसे बढ़िया बात इस बोतल पे क्या लिखा है, हेलो मास्टर। एक बात सबसे बढ़िया, अब ये बोतल मानसी को नहीं मिलेगी क्योंकि जो भी तोहफे मेरे पास आते हैं वो मानसी यूज कर लेती है, मानसी मुझे कोई तोहफा देती है वो भी ये यूज करती है, तो अब ये इसलिए तोहफा दिया, ये सिर्फ और सिर्फ मैं यूज करूंगा, आपकी कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं। अच्छा आपके क्या, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा। मैंने ऐसी आपकी कोई भी चीज यूज नहीं करी है लेकिन जब मैं अंकी के लिए गिफ्ट लेके आई थी ना बर्थडे पे कप, तो मेरा एक बहुत ही फेवरेट वाला कप था जो टूट गया, तो
फिर मेरे पास कप ही नहीं है, तो इसलिए मैं अंकी के कप में पीती हूँ। तो क्या हो गया, तो आप मेरे को एक कप गिफ्ट कर दो फिर, वैसा ही जैसा टूटा है। वो ब्लैक कलर का कप था, उसके ऊपर होप लिखा हुआ था। ब्लैक कलर के कप पे होप लिखा है, मतलब ये दुनिया आपको बेवकूफ बनाना चाहती है, क्योंकि अंधेरे में कभी भी कोई होप नहीं होती है। अगर होप चाहिए तो सफेद कप में होप ढूंढो। अभी अंकी करने जा रहे हैं बुक रीडिंग, अभी कर रहे थे तो कैमरा ऑन नहीं था, तो हमने अंकी को रिक्वेस्ट किया दोबारा करना। सभी यूट्यूब के विद्यार्थी हमें जानते ही होंगे, और यूट्यूब में एक शब्द कॉमन है, उसे कहते हैं कोलैबोरेशन। ठीक है, कोलैबोरेशन। आज का जो ज्ञान है वो यही है, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप एंड कंपटीशन। पेज नंबर 11 निकाले सभी विद्यार्थी। ये चश्मा मेरा पास का है, इसको दूर करेंगे। कोलैबोरेशन फॉस्टर्स अ स्पिरिट ऑफ कॉमन पर्पस। इन दिस स्पिरिट पीपल वर्क टुगेदर टू रिलीज कॉमन गोल्स। करियर जर्नी वुमन इन इंटरएक्टिवली सोसाइटी चुपचे काछी बोल दिए खा जो। दिस इज आवर चैप्टर फिनिश। तो कल सभी अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेके आएंगी। चलिए, मेरी क्लास का समय हो गया। इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो में पकोड़े अच्छे लगे हो तो, पकोड़े तो अपने को अच्छे लगे, इन्होंने थोड़ी खाए। तो इस नई बोतल के आरंभ के साथ इस ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दीदी ने कसम खाई है ब्लॉग में अपना मुंह नहीं दिखाना। दीदी कहते हैं अब मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी।